नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। बिहार के खगड़िया जिला में शुक्रवार को भगवान बलभद्र एवं भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की पूजा अर्चना हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभात फेरी से किया गया। इसमें हजारों महिला पुरुष बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर की एक परिक्रमा के बाद केएन क्लब पहुंचा। क्लब में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही कुल देवता की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करती हुई समाज सेवी मधुबाला गुप्ता ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कला संस्कृति के माध्यम से बच्चे बच्चियों को भी उनके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, तब भी समाज में विकास और प्रगति संभव है। उन्होंने कहा कि आज समाज भूख, गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी से त्रस्त है। इसमें समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर मीनू माया ने कहा कि शिक्षा समाज का सबसे मजबूत स्तंभ है। उन्होंने कहा, जहाँ तक संभव हो अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करें, तभी समाज का विकास संभव है। इस मौके पर समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम, डांस, गीत, नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को डॉक्टर राजेश रंजन, उमा शंकर वर्मा, डॉक्टर वंदना, धर्मवीर सहित कई लोगों ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत समाज सेवी मधुबाला गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया। पटना गया के एक बेटे की शादी एक साल पहले एक सिकल से शादी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन लड़का ने लड़की को उसके घर आकर छोड़ दिया। इस बात को महिला विकास मंच के संरक्षिका श्रीमती वीना मांडवी ने गंभीरता से लिया है और इस बात को गया रौनियार समाज के अध्यक्ष राजू जी, महामंत्री अरुण कुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, रमा शंकर गुप्ता ने भी इस लड़की के साथ न्याय दिलाने के लिए पटना गए और साथ में महिला विकास मंच की लोकप्रिय संरक्षिका श्रीमती वीणा मांडवी, मीडिया प्रभारी अनुमा जी, उपाध्यक्ष निर्मला गुप्ता जी ने इनके साथ लड़की के घर पर गई। मामले को गंभीरता से लिया महिला विकास मंच की संरक्षिका मांडवी जी फिर रसपुर थाने जाकर रसपुर पटना के थाना अध्यक्ष ने पूरी मदद करने का भरोसा दिया, जिसके बाद लड़की को लड़के ने फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद लड़की लड़के के घर पर गई, जो लड़के इंतज़ार पर रात भर नहीं आया। फिर घर के अपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि आप रविवार को आओ। महिला विकास मंच ने भी कहा कि आपके साथ है महिला विकास मंच। महाराजा अग्रसेन निस्वार समाज सेवा ट्रस्ट इंद्रलोक महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं सम्मान समारोह के शानदार कार्यक्रम गौरी शंकर भवन शिव मंदिर इंद्रलोक में 1 अक्टूबर 2019 प्रातः 10:30 होने जा रहा है, जिसमें वैश्य समाज के कई गणमान्य उपस्थित होंगे। वसुंधरा गाजियाबाद के होटल मुकुट रेजिडेंसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा व्यापारी सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी व्यापारी पदाधिकारीगण मौजूद हुए। कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय उद्योग व्यापार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनिवास गुप्ता और कई अन्य आयोजक गण रहे। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देश बंधु गुप्ता की ओर से रविवार 3 नवंबर 2019 को शाह ऑडिटोरियम कश्मीरी गेट दिल्ली में विवाह योग्य वैश्य अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में कुंडली मिलान, उपस्थित प्रत्याशी को उपहार लक्की ड्रॉ द्वारा व स्क्रीन पर हर प्रत्याशी का साक्षात्कार दिखाने की बृहद योजना है। दिन भर की खास खबरों में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।